हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित तोमर आपका पीसीएम सब्जेक्ट के लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है दूर दृष्टि दोष। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दूर दृष्टि दोष की परिभाषा, दूर दृष्टि दोष का कारण और दूर दृष्टि दोष का निवारण बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप रोजाना क्लास 12th एनसीईआरटी की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको पहले पता होना चाहिए कि दूर दृष्टि दोष होता क्या है। तो आपको हेडिंग डालनी है दूर दृष्टि दोष की परिभाषा। तो मैंने हेडिंग डाल ली है परिभाषा। तो आपको परिभाषा में क्या लिखना है, इस दोष में नेत्र से दूर की वस्तु स्पर्श दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तु स्पर्श दिखाई नहीं देती हैं। दोस्तों, आपको पता चल गया कि दूर दृष्टि दोष होता क्या है। अब हेडिंग डालनी है आपको दूर दृष्टि दोष के कारण। तो मैंने हेडिंग डाली है दूर दृष्टि दोष के कारण। तो दोस्तों, दूर दृष्टि दोष के दो कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? दो कारण होते हैं। पहला कारण है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का कम होना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जब हमारे नेत्र लेंस की पृष्ठों की वक्रता कम हो जाती है तो उसके कारण हमारी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे हमें दूर दृष्टि दोष हो जाता है। दूसरा कारण है हमारा नेत्र लेंस के गोले का व्यास कम होने के कारण नेत्र लेंस व रेटिना की बीच की दूरी कम हो जाती है। तो दोस्तों, जब हमारे नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है तो उसके कारण हमारे नेत्र लेंस व रेटिना की बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण हमें दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो दोस्तों, हम इस बात को जरा चित्र के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, ये हमारा नेत्र है। क्या है? नेत्र है। और इस नेत्र के अंदर हमारा एक नेत्र लेंस है। क्या है? नेत्र लेंस है, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। इसी नेत्र लेंस से हमने कुछ दूरी पर वस्तु और रखी है, जो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी गई है। तो दोस्तों, इस वस्तु से जो चलने वाली किरणें हैं वे हमारे नेत्र लेंस में प्रवेश करती हैं। किस में प्रवेश करती हैं? नेत्र लेंस में प्रवेश करती हैं। और नेत्र लेंस से पार होने के बाद ये हमारी रेटिना बिंदु आर पर ना मिलकर नेत्र से पीछे बिंदु पी पर प्रतिबिंब बना देती हैं, जिसके कारण हमें निकट की वस्तु स्पर्श दिखाई नहीं देती हैं। दोस्तों, यही कारण है कि हमें निकट की वस्तु स्पर्श दिखाई नहीं देती है। अब आपको हेडिंग डालनी है दूर दृष्टि दोष के निवारण। तो मैंने हेडिंग डाल ली है दूर दृष्टि दोष का निवारण। तो दोस्तों, हम दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, जब हमें दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो हम उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। किसके लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। आप इस बात को जरा चित्र के माध्यम से समझिए। तो दोस्तों, यह है हमारा नेत्र। क्या है? नेत्र। और हमने नेत्र के पास हमने उत्तल लेंस लगाया है। क्या लगाया? उत्तल लेंस लगाया है। और हमारे पास यह निकट की वस्तु रखी है एन। क्या रखी है? निकट की वस्तु एन रखी है। तो दोस्तों, जब हमने उत्तल लेंस लगाकर निकट स्थित वस्तु को देखा तो इससे आने वाली किरणें तो पहले उत्तल लेंस में प्रवेश करा, फिर नेत्र लेंस में प्रवेश करा, और नेत्र लेंस के बाद उत्तल लेंस की सहायता से ये रेटिना आर पे मिल जाती हैं। किस पे मिल जाती हैं? रेटिना आर पे मिल जाती है, जिससे हमें निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पर्श दिखाई देता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि हमें उत्तल लेंस लगने के बाद हमें निकट की वस्तु स्पर्श दिखाई देने लगती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें तथा कोई परेशानी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।